अच्छा मैंने देख लिया पिछले वाले व्लॉग में ना, लोग मेरे साथ आकाश को देख के कह रहे थे मस्त कॉम्बिनेशन है। तो माशाअल्लाह दोस्तों, क्या शॉट लिया है, आंखें और सर दोनों ही काट दिया। मैंने सोच लिया है अब मस्त तरीका है व्लॉग को चलाने का कि मैं सारे कॉमेडियंस को लेता रहूँगा और व्लॉग में डालता रहूँगा। और ये रहा मास्क है, किसी को जिसको लग रहा मास्क लेके नहीं जा रहा, अभी कोई है ही नहीं आसपास, दोपहर को बाहर निकला हूँ और अपना एक और भाई साथ में आया, मिलाता हूँ आपसे। दोस्तों मैं मिलने जा रहा हूँ अपने दोस्त से, अपने फाजिल दोस्त से, जिससे मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। खोल दे यार, ये देखो नई गाड़ी तो ले ली पर आए, ये देख रहे हो, ये होती है दोस्ती। भाई अपना इस दिल्ली से आ गया है बीवी को मायके में छोड़ करके मेरे से मिलने के लिए। क्या करना है फिर अभी दोपहर को? थोड़ा बहुत घूम लेते हैं जी। और फिर हल्का हल्का हो जा, नहीं, लिटिल लिटिल हो जा आज। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वी आर इन्फ्लुएंसर सो वी शुड नॉट प्रीच। हाँ तो गाड़ी लगा देंगे ना मेरे घर पे, तो गाली आएंगी। आप इतने बड़े आदमी की शराब का प्रचार करते हो। गुप्ता हमें कोई बड़ा आदमी नहीं बोल रहा है, ठीक है? बोलते हैं। मैं ये मेरे को कह रहा था मेरे साथ व्लॉग व्लूग मत बनाइयो, पर गुप्ता ने बहुत ही तगड़ी गाड़ी खरीदी, ये देखिए कितने की हुई थी, जितने की भी खैर पता चली जाएगा। गुप्ता ने गाड़ी खरीदी और उसके गाड़ी खरीदने के दूसरे महीने में ही लॉकडाउन पड़ गया और कमाई के साधन संशोधन तो सारे बंद हो गए, पर गुप्ता की किस्तें जा रही महीने की 30-30 हज़ार रुपए की। ना डेंटिस्ट्री का काम चल रहा, हमारी कॉमेडी की दुकान भी बंद हो गई और हाथी ले लिया, अब पालने में मजर सी मजर। पर कोई नहीं, गुप्ता का बैकअप मोटा है, तो बाप का बहुत पैसा सब पता है। मैंने व्लॉग वाला चैनल क्यों खोला है, और इधर देख के बताइए, इधर ये कैमरा, ये व्लॉग वाला चैनल इसने खोला क्योंकि ये बिजनेस माइंड से सोच रहा है। जैसे ठेका होता है तो ठेके के साथ में चखने वाली शॉप खुल जाती है अपने आप ही, जैसे हॉस्पिटल खुलता है तो केमिस्ट की खुल जाती है। क्योंकि उसको पता है बिजनेस टूट के आधा उसके बाद ही जाएगा। तो इस समय मेन यूट्यूब चैनल स्टैंड अप कॉमेडी का खोला, फिर से लगा जो चकने वाला काम है उसके लिए अब मैं पॉडकास्ट का और ब्लॉग का खोल लेता। तो इसके ऐसी ब्रांचेस खुलती रहेंगी, चकने की, फिर बर्फ और सिगरेट की। फिर उसके साथ में कुछ और खोल लेगा, ये पान वाला। तो अभी अगला चैनल कौन सा आएगा? पॉडकास्ट, पॉडकास्ट का, ठीक है। तो बर्फ और सिगरेट का काम। तो ये तो थे रेगुलर चैनल्स, पर मैं सोच रहा हूँ स्ट्रीमिंग भी करूँगा थोड़े टाइम में। गुप्ता मैं स्ट्रीमिंग भी करना चाह रहा हूँ। हाँ तो अब ये करता रहेगा भाई, अभी ब्रांचेस खोलता रहेगा, जैसे शराब का ठेका, फिर उसके बाद चखना, चखने के बाद बर्फ और सिगरेट की दुकान, फिर चाप की दुकान भी खुल जाती है साथ में। वो नहीं तो जिसको हॉर्न हॉर्न मारो तो लड़का आता है मेन्यू लेके, वो भी खोल देगा। स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे, स्ट्रीमिंग क्या होगी, मलाई चाप ना अपनी, मलाई चाप, तंदूरी चाप, सोया चाप, मशरूम चाप, सब ठीक है। ठीक है, खोलते रहेंगे चैनल। खैर इसके बाद मैंने और गुप्ता ने एक पेय पदार्थ का सेवन करा। वह पेय पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वह नींबू पानी हो सकता है, छाछ हो सकता है, या फिर वह दा दा दाल भी हो सकता है। दाल पिया हमने, दाल 2 घंटा बैठ के दाल पिया तसल्ली से, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ में मूँगफली भी खाया। अब चलते हैं अगले दिन पे। ये देखो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, मुझे पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, पर गैस करो ये क्या किस चीज़ का गाना हो सकता है। पहले बोल रहा है माता पिता की सेवा कर लो, विच इज़ ओके, विच इज़ ग्रेट थिंग, ऐसा मैसेजेस देने चाहिए। ताजी सब्जी, ताजी सब्जी, ताजी सब मिल रहा भाई, हरी सब्जी। इतना प्रेशर, इतना फोर्स करके बोल रहा है, अब तो लेनी पड़ेगी सब्जी। चले निखिल सब्जी लेने चल, कुछ तो लेके आएंगे यार। सच बोलूँ तो हमने उस दिन सब्जियाँ नहीं खरीदी क्योंकि घर में सब्जियाँ ऑलरेडी पड़ी थी। खैर उसके बाद इस दिन में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ और मैं वापस अपने घर आ गया क्योंकि उस दिन रात को मेरा शो था और अब करेंगे शो की तैयारी। हाय गाइस, तो आज बेसिकली मेरा ऑनलाइन शो है, वो रहा सेटअप शो का, एक बार दिखा दो वो रहा सेटअप। तो यूजुअली लोग शो की सेटअप शो के लिए रेडी होते हैं ना, तो कपड़े अपने प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या करना है, जोक क्या करना है। मैं ये पंखा साफ कर रहा हूँ क्योंकि उस वाले फ्रेम में पूरा पंखा है और मेरे को पूरा यकीन है लोग ही मेरे जोक ज्यादा नजर, जोक तो गंदे ही है, पंखा इतना ज्यादा गंदा। बस मेरे को इतना साफ करना है कि उसमें सफेद रंग की पंखड़ियां हैं। ये देख लो सेटअप भाई, कम हाइट होने का नुकसान देख रहे हो। एक कुर्सी उसके ऊपर एक फट्टा लगा के चढ़ाऊ, अगर गिरा ना तो सर और फटेगा, पर अगर सर भी फट जाए तो भी मैं शो करके रहूंगा क्योंकि मैं जल्दी कर, मेरा हाथ दुख रहा है। सुनो तो, भले मेरा सर फट जाए पर मैं शो जरूर करके रहूंगा क्योंकि मैं कभी पैसे रिफंड नहीं करता शो। बेडरूम का भी पंखा साफ कर, ठीक है कर लेंगे यार। अरे वो वाला भी है, शो करना है यार, अभी टाइम हो गया है, साइड में देखना। अब उतारो तो मेरे को उतारू, क्या गोदी से थोड़ी उतारू, अरे उतार जा।
अरे गिर जाऊंगा, वो छोड़ दो उसे, आ जाओ पकड़ो ना जीवा चेयर। नहीं ऐसे ही खड़ा रहे तू, ये चेयर ऐसे ही रहे। शेख गिर जाऊंगा यार, मजाक मत करो। चलो गाइस सी यू इन 10 मिनट्स, द शो विल बी स्टार्टिंग। सो बेसिकली आज ऑनलाइन शो है, और ऑनलाइन शो से पहले हम लोग हमेशा कैसे ये एवी टाइप चला देते हैं ऑडियंस के लिए ना भाई साहब। शो के बीच में जो जो बसड़ होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार। ये ऑनलाइन शो में मज़े भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है मज़े नहीं आते, पर इतनी बसड़े देखी है ना मैंने, कोई हद हिसाब नहीं है। पर है अभी 10 मिनट में शो है, और शो का गेटअप तो सभी का ही रहता है आजकल, आपको पता है ऑनलाइन जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ऊपर तो ये और नीचे जाते 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 ये मेरे केश निखार। एक लास्ट चीज़ यार, ये देखो इन लोगों ने मेरी फोटो लगाई है ये वाली। मैंने बोला है भाई ये फोटो मेरे अभी ये फोटो ये बाल थे मेरे 2 साल पहले, अभी दुनिया बदल चुकी है तो ये चेंज कर दो। ये चेंज ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि नई फोटो आई नहीं, कह रहे बेचो बेचो पुरानी से बेचो। हांडने जा रहे, गेड़ी मारने जा रहे गाड़ी में, गाड़ी के बाहर तो ज्यादा निकलते नहीं, अंदर ही रहते हैं क्योंकि भरोसा नहीं ना अभी कब चिपड़ जाए। अच्छा मोमोज खाने कौन निकला था? तो श्रेया मोमोज मैंने सैनिटाइज वैनिटाइज करके खाए थे आप, ठीक है? अच्छा देखा था मैंने वीडियो, ठीक है? तो वीडियो में तो एडिट करके डालता हूं ना, वो सब डालूंगा क्या, भात धो रहा हूं लेटरिन धो रहा हूं सब तुरंत डाल दूंगा। और सुभाष नगर के छोले कुलचे? सुभाष नगर के छोले कुलचे नहीं खाए मैंने, झूठ मत बोल, ठीक है? चुप चुप के खा कर कर आते हैं। गाइस पिछले वाले ब्लॉग में काफी लोग पूछते थे नैनो का है, नैनो का है, नैनो का है, तो गाइस नैनो वहाँ है, वहाँ है नैनो, और वहाँ एक रनर, ये दौड़ तो रही है, इसके पीछे कुत्ता पड़ गया ना, अगर भक्ति भी रहेगी चारों तरफ, ओ भाई कुत्ता सब उठ रहा, फरीदाबाद में इतने खुले में कैसे दौड़ रहे हैं लोग, सब देख रहे हो सड़क पे, सब है नैनो कुत्ता रनर सांड। मैं गया था भाई वो रात को वॉक करने, और होगी बारिश। रन इससे मैं भी दिखा रहा हूँ कि मैं एक दिन फिटनेस ब्लॉगिंग वाला चैनल भी चालू करूँगा। गाइस इसके बाद का ब्लॉग बनाना था थोड़ा और, कुकिंग वाला सोच रहा था डालने का, पर श्रेय और मेरा कलेश हो गया है तो शायद बन ना पाए। पिछली बार भी ऐसी होता है, जब जब हमारा कलेश होता है कंटेंट में 2-3 दिन का ब्रेक आ जाता है। हाय गाइस आई होप यू लाइक द ब्लॉग, इस बार थोड़ा छोटा सा क्योंकि यार इतनी एक्साइटिंग चीज़ें हुई नहीं, देखो सच बता रहा हूँ मैं, इनफैक्ट इसमें मेरे को लग रहा है एक दो पार्ट थोड़े खींचे हुए हैं नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि साउंड में थोड़ा काम करा है इस बार, तो होपफुली साउंड थोड़ा सा बेटर होना चाहिए पिछले वाले से। अच्छा दो चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट बात करनी थी, एक तो यार अभी भी ना 80% ऑफ द लोग जो ये ब्लॉग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ये चैनल थोड़ा बढ़ने दो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा यार, तुम्हें बटन ही तो दबाना है और एक बेल आइकन ही तो दबाना है और एक कुछ थोड़ा काम करना है, पर कर लो ना यार। और एक और चीज़ क्या थी, हाँ कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पुट द व्लॉग्स ऑन डेली बेसिस, तो यार आई बी वेरी ऑनेस्ट यू नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पुट व्लॉग्स ऑन डेली बेसिस, क्योंकि यार मैं अभी इतना अच्छा ब्लॉगर हुई नहीं कि मैं हर रोज़ ही निकाल लूँ चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ और उसमें से 10 मिनट बढ़िया से निकाल लूँ। देखो मेरा फिलहाल टारगेट तो यह है कि हर ब्लॉग में एटलीस्ट फटके हंसी ना आए, पर एटलीस्ट एक स्माइल तो, एक बंदे के चेहरे पर स्माइल तो बनी रहनी चाहिए ना, तो अभी तो वही ट्राई कर रहे हैं, तो जो भी बेस्ट मोमेंट्स आते हैं वो निकाल के मैं डालता हूँ इसके अंदर, और बस बाकी सब सही। नया ब्लॉग डालेंगे जल्दी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर इस ब्लॉग के थ्रू 70,000 करा दो। चलो जी बाय, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और यार डेली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सच बोल रहा हूँ डिफिकल्ट होगा, देखते हैं कभी बाद में हो पाएगा तो ठीक है, वरना 3-4 दिन में एक ठीक है, क्या दिक्कत है।